उत्तर प्रदेश के बलिया में ऑक्सीजन की बढ़ती समस्या को देखते हुए सपा के पूर्व मंत्री नारद राय ने जन सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। नारद राय ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौर में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जनपद में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है। जिला चिकित्सालय के वार्ड में एक या दो ही ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी मरीज को परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर 1,30,00,000 रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। जिला अस्पताल में जो हालत है आप देख रहे हैं कि एक एक वार्ड में एक एक दो दो सिलेंडर है। पिछले दिनों हमारे सभी पार्टी के नेता हम लोग सीएमओ के यहाँ गए थे। सीएमओ को यहाँ तक भी जानकारी नहीं था कि बलिया में ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है और बलिया में ऑक्सीजन कितना उपलब्ध है। इस दुर्दशा को देखते हुए फिर आज समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने जो आपके सामने बैठा है यह फैसला किया है कि जिला अस्पताल बलिया में सबसे पहले ऑक्सीजन का प्लांट जन सहयोग से समाजवादी पार्टी लगाएगी।